लेकिन मुझे लगता है कि मैं होमवर्क करके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बताया गया इसके पूर्व माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री ने, तत्कालीन मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर रखी है। इसलिए मैं घोषणा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर शब्द है, उसका सम्मान करते हुए मैं जाकर पूर्व में किए गए घोषणा की फाइल देखकर और अंतर कार्रवाई के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं क्रिएटिविटी में विश्वास रखता हूँ, और किसी भी जगह पर यदि क्रिएटिविटी का मामला आता है, जो कि इस देवस्थली में नजर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमसे सहयोग की आप पूरी पूरी उम्मीद रख सकते हैं। मैं अभी जिला पदाधिकारी जी से बात कर रहा था, और 1 किलोमीटर सड़क की जो बात कही गई, हमने कहा है कि उसको जल्द से जल्द यहाँ बनवा दिया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों को पूजा अर्चना करने में जो दिक्कत होती है, वो दिक्कत का सामना ना करें। और जो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि देव अंबा पथ का मामला, ये सब हम लोग विचार करेंगे किस स्थिति में है, अद्यतन स्थिति पता करके। मैं तो यही काम करने आया हूँ आपके जिला में, यही काम कि जो बचे हुए काम है और आगे बढ़ाने के लिए जिला में विकास की बहुमुखी प्रगति को पटल पर लाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती थी, लेकिन वो विजिबल दिखाई पड़े, टेंजिबल डेवलपमेंट दिखाई पड़े और इनटेंजिबल डेवलपमेंट भी दिखाई पड़े। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि औरंगाबाद में सभी बहुमुखी विकास में यहाँ की शांति और व्यवस्था एक बहुत बड़ा फैक्टर है, समरसता एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए उस पार्ट को भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपसी झगड़े कम हो, और झगड़े हो तो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, और शांति व्यवस्था बहाल रहे, समरसता बहाल रहे, ये भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। ये सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ प्रशासन वालों की नहीं, आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि कभी यह खुशहाली का रास्ता समरसता के दरवाजे होकर जाती है, तो समरसता का, सद्भाव का, मिलन जुलन का और न्याय, सबसे बड़ी बात है कि हर बिंदु पर, हर बिंदु पर न्याय मिले लोगों को, इस बात के लिए मैं पूरी तरह सजग रहूंगा। और प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने अपने स्तर पर न्यायवादी सोच के साथ अपने कार्य को बढ़ाएं, कंप्लेंट्स कम से कम हो। मैं विभिन्न विभाग के बारे में बोल रहा हूँ, आलोक मेहता यहाँ का प्रभारी बना है, तो सिर्फ राजस्व विभाग, राजस्व भूमि सुधार और ई उद्योग का नहीं बना है, जितने भी विभाग है सबको एड्रेस किया जाएगा। सारे पदाधिकारी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आप लोगों के बीच में भी कोई तनाव की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन निष्ठा के प्रति, न्याय के प्रति मैं खुद सजग हूँ, इसका हिसाब जरूर मुझे लेना हूँ। इसलिए सब लोग अपने मोर्चे पर अपनी कर्तव्यनिष्ठा और न्याय का परिचय देने का काम करेंगे। यहाँ के विकास के लिए अभी डब्ल्यू जी ने कहा, और हम समझते हैं कि आनंद किशोर से भी काफी बाहर उनका संबंध रहता है लोगों से, तो CSR जो है वो एक रास्ता है जहाँ इसके माध्यम से यहाँ के विकास में बड़े उद्योगों से मदद दी जा सकती है। यहाँ भी कुछ बड़े उद्योग हैं, उन लोगों के माध्यम से सरकार जो योजना है, अभी जिला पदाधिकारी जी ने बताया और साथियों ने कि यहाँ पर पहले ही इसके विकास का मसौदा तैयार हो रहा है, अब मैं दबा गया हूँ तो आप मान के चलिए उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और देव स्थान एक बड़ा पर्यटन, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, इस बात की पूरी आशा और विश्वास रखते हैं। आज के इस अवसर पर
मैं देख रहा था स्काउट गाइड के बच्चों को, मैं भी एक्सपीरियंस स्काउट हूँ, और मैं बचपन में सोनपुर के नाम में जाता था की तरह और वहाँ डिसिप्लिन, अनुशासन और व्यवस्था को संभालने का बहुत गंभीरता के साथ करने का काम करता था।